हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, आईएनएस कनेक्शन को लेके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने से गुजरेंगे आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस भी मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज ओपन माइंड होके ही देखिएगा। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इस कनेक्शन में ना डिवाइन का इंटरवेंशन है इस कनेक्शन में, या फिर कहीं ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। भगवान ने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी हैं, कुछ ऐसी बोलते हैं ना लीलाएं की हैं, जिसके कारण आप हो तो इस समय बहुत परेशान, लेकिन वो आपके फायदे के लिए है। इस कनेक्शन में कुछ ऐसा था माय व्यूअर, शायद जो आपको नहीं दिख रहा था, जो आपको नहीं पता था, कुछ फॉगिनेस थे, कुछ कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा भगवान ने होल्ड किया है आई थिंक इस कनेक्शन को, लेट्स सी, देखते हैं। पर भगवान आपके साथ है, मैं इतना बता देती हूँ, बहुत क्लियर कट मैसेज है। आपके पर्सन का ना जो प्यार है वो आपके लिए बहुत ओवरफ्लो होता है। आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। यस, मतलब ये एक म्यूचुअल लव मुझे दिख रहा है, जितना आप उनसे प्यार करते हो उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। बट इस समय जो आपकी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी कैसी है, सेल्फ लव की है, आपकी एनर्जी कैसी है, मेहनत की है, आपकी एनर्जी कैसी है, हार्डवर्क की है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप हार्डवर्क कर करके कर करके कर करके अपने पेंटिकल्स को क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो और मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। उससे हो क्या रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ब्यूटिफुली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। मैं यहाँ पे ना एक चीज बता देती हूँ, वैसे तो ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है, और ये रीडिंग जो है एक रिलेशनशिप के लिए मैंने क्वेश्चन को पुट किया है, लेकिन एक मैसेज आया है जो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। आप अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो तो शायद लोग कुछ लोगों को जेलेसी हो रही है, और ये लोग शायद आपके क्लोज ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें जेलेसी हो रही है। इन लोगों की एविल आई है आपकी ग्रोथ पे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं ये एक चैलेंज है। अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड करिए, अपने आप को थोड़ा सा क्लेंस करिए, सॉल्ट वाटर बात लीजिए, अगर कोई एविल आई होंगे तो निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप में एक ऐसी शक्ति है या आप में एक ऐसी एनर्जी है, ये सारी चीजों से आप उभर के ऊपर निकलोगे। अभी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बहुत कम बातचीत हो रही है, ना के बराबर, या फिर बहुत फॉर्मल टॉक हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि जो आपके पर्सन है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, उन्हें नहीं समझ में आ रही कि इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से कॉल लेना है, कैसे कॉल लेना है, और उन्हें ये डर है कि अगर उन्होंने कॉल जल्दी नहीं लिया तो उनकी जो विश फुलफिलमेंट है, आप किसी और से शादी करके निकल जाओगे। इस समय ना बहुत सैड है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है। 11-11 का कार्ड है, मुझे लगता है कि शायद आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, पर इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं टावर मोमेंट ना ये डिवाइन ने लाया है आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन के बीच में। मे भी शायद कुछ, मैंने कहा ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, कुछ कुछ मिस्ट्री है। ये सारी चीजें आपके पर्सन को पता है लेकिन आपको नहीं पता। आप दुखी हो, आप सैड हो, आई अंडरस्टैंड। एनीवेज, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे घर बसाना चाहते हैं। इस समय काफी सैड है कि आप किसी और के साथ घर बसा के ना रह लो। आपके पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय नहीं कर सकते,
क्योंकि इस समय वो प्रिपेयर्ड नहीं है, इस समय हालात भी नहीं है इस सिचुएशन के और इस रिलेशनशिप के। और जो ईश्वर ने टावर मोमेंट लाया है, ईश्वर ने टावर मोमेंट इसलिए लाया है, या फिर हाँ ईश्वर ने टावर मोमेंट इसलिए क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ जजमेंट हुआ है, ठीक है, कि आपको एक मौका दिया जाए कि आप पहले अपने ऊपर काम करो, ठीक है, पहले अपना 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 जो भाग्य है वो बदलो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो किसी चीज के लिए, होता है ना, हम प्रे करते कि भगवान हमारा करियर ये हो जाए, या भगवान हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, या हम ये कर ले या वो कर ले, या फैक्ट्रीज खोले, बहुत ब्ला ब्ला, लेकिन हमारी एग्जीक्यूशन क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर वो चीजें आपको कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मे बी जो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो आप अगर आप फुलफिल करना चाहते हो तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए काम करो। काम कैसे करो, अपने स्किल्स को एनहांस करो। और ये आपके पर्सन को भी लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने स्किल्स को ग्रूम कर रहे हो, अपने आप को एनहांस कर रहे हो, ताकि लक आपके साथ हो, सक्सेस आपके साथ हो, ग्रोथ आपके साथ हो, और आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने कहा ना, आप में कुछ ऐसी एनर्जी है, चाहे लोग इविल आए दे, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, चाहे कितने भी टर्बुलेशंस आए, लेकिन आप उससे ऊपर उठ के निकलोगे। इतनी पावर, इतनी एनर्जी आप में है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे वाइब सारी कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति है आप में। मैंने कहा ना, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ डिवाइन पावर है आप में, एक दिव्य शक्ति है आप में, शायद आपको भी नहीं पता है, आपने भी अपनी पावर को नहीं पहचाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक वाइब और रह रही है, देखिए देखिए, ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन का कार्ड है, इसके नीचे ठीक टावर मोमेंट है, 7-7 का रिपीटेशन है। अगर हो सके तो प्लीज आप कुत्तों की सेवा करिए, डॉग्स की सेवा करिए, ठीक है, उनको रोटी खिलाइए, अपने हिस्से की जो रोटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 1 रोटी अलग से निकालिए, वो अपने हाथ से कुत्ते को खिलाइए, ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जितने मैसेजेस आएंगे मैं वो आपको देती जाऊंगी। इस समय आपके पर्सन को ना बहुत बर्डन है क्योंकि कुछ ट्रुथ आपके सामने नहीं आया, कुछ चीजें मतलब वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है, इस चीज का उन्हें बहुत बर्डन है, वो सच्चाई आपको शायद नहीं बता पाए या नहीं बता सकते हैं जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हैं। हालांकि ये बहुत क्लियर है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर 10 का एनर्जी है, नंबर 10 का एनर्जी कंप्लीशन का एनर्जी है। अगर इसका टोटल करें 1 1 1 1 1, कई लोगों को बहुत सारी 1 1 1 की फ्रीक्वेंसी दिखती होंगी, लाइक 1 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 1, ये फ्रीक्वेंसी आपको दिखती होंगी। आप प्लीज गूगल में सर्च करिए, वो जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है उसका आपके लिए क्या मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग में तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वैसे आपके पर्सन बहुत हाई रिगार्ड्स में दिखते हैं, लेकिन हाँ सिचुएशन अभी काफी प्रॉब्लमेटिक है, सिचुएशन अभी काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कुछ कुछ रोक रहा है कि इस कनेक्शन में अभी मिलन ना हो। क्योंकि जब ये टावर मोमेंट आता है ना, ये टावर मोमेंट करते तो इंसान ही है, एक इंसान ही दूसरे इंसान की लाइफ में ला देता है, लेकिन ये देखिए, ये ऊपर की तरफ से ईश्वर की चिंगारियां आती हैं एंड इसका जो टावर होता है वो उड़ जाता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, इंसान इंसान के बीच में बातचीत होनी बंद हो जाती है। और ये कहाँ से क्लैरिफाई हो रहा है, ये क्लैरिफाई हो रहा है जजमेंट कार्ड से। जजमेंट के बाद देखिए टावर का एनर्जी है, भगवान ने टावर मोमेंट लाया है, क्यों लाया है, वो आपकी भलाई के लिए लाया है, आपकी ग्रोथ के लिए लाया है, आपकी सक्सेस के लिए लाया है, ठीक है। एंड आपका कुछ डिवाइन पर्पज, मैंने कहा कुछ ना कुछ दिव्य शक्ति है, आपका कुछ डिवाइन पर्पज है, जो यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इसका मीनिंग जरूर है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, वर्कहोलिक, एक्सपेंशन, ग्रीव, कॉम्प्लेसेंसी एंड अबंडेंस। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 मेहनत कर रहे हो, बहुत बिजी हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बिजी हो, ठीक है।
आप बहुत वर्कहोलिक हो, बहुत मेहनती हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका दायरा इतना था तो अब अपने दायरे को बढ़ा रहे हो, अब सीख रहे हो लाइफ में ना। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बहुत पेन में हो, बहुत ग्रीफ में हो, बहुत दुख में हो, बहुत तकलीफ में हो। अब ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हिसाब से हो सकता है। आप देखिएगा कि आप इतने ग्रीफ में या इतने पेन में क्यों हो, आप बहुत निराश हो। मैं भी शायद पास्ट में इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, या कुछ चीज़ें बहुत फॉकी है, कन्फ्यूजन है आपको, तो उस चीज़ को लेके ना शायद आप किसी चीज़ को मिसइंटरप्रेट कर रहे हो या कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि आप इस समय बहुत 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 दुख में हो, तकलीफ में हो, पेन में हो, और फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये भी तभी होता है जब हम, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे अंदर पेन है, हमारे अंदर दुख है, तो हम टूट जाते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। लेकिन अगर हम हिम्मत रख के भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ईश्वर को सरेंडर किया हुआ है, ईश्वर पर विश्वास किया हुआ है कि वो संभाल लेंगे, ये ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। वेरी नाइस। आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हो, मैंने कहा ना बहुत क्लियर कट मैसेज, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हो, आपकी एनलाइटमेंट तो अपने एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है। और अगर मैं देखूं तो कुछ महीनों में, पास्ट से अभी तक या 6 महीनों में आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, आप शायद एक फियरफुल एनर्जी से फियरलेस एनर्जी में आए हो, आपने आपका गॉड में ट्रस्ट हो गया है, आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। काफी ब्यूटिफुल मैसेज है। वेरी नाइस। एंड अब इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है देखेंगे। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। वाओ, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। क्योंकि मैंने कहा ना कहीं आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया, लक इज ऑन योर साइड, एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली मैं समझ पा रही हूँ, एनर्जी काफी मोमेंटम गेन कर रही है, क्योंकि आप भी अभी चाहते हो कि इस कनेक्शन में या तो येस हो या तो नो हो। आप लोग अभी, मतलब आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए ताकि आप अपने फर्दर डिसीजन ले सको। जो भी पर्सनल इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, आपके एंड आपके पर्सन के बीच में, अभी वो रिजोल्व होने वाले हैं, एंड आपको काफी, मतलब मुझे ऐसा लगता है काफी पॉजिटिव रिजल्ट या रिस्पॉन्स वहां से मिलने वाला है। इस कनेक्शन में आगे बहुत प्रोस्पैरिटी है, इंडिविजुअल लेवल पे आपको बहुत प्रोस्पैरिटी है। अपनी लाइफ में मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जहां आप इतना पेन में रहने के बाद भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है। ईश्वर चैलेंजेस देता है, उसके बावजूद भी अगर आप हिम्मत रखते हो ना, तो डेफिनेटली आगे आपको बहुत सक्सेस मिलती है। लक आपके साइड में है, लक आपकी तरफ है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, लेकिन ये मुझे कार्ड जरूर आया है, अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशन जो भी है उसमें इस कनेक्शन में आपको फर्स्ट मूव लेने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल लीजिए। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।